प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। नहीं समझे? समझाता। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए, तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। किंतु यह आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, ना राज्य है ना धन जिसे आप बल से अपने वश में कर सको। प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। तो जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आए। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए, स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा, और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। भय, भय सबको होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेके ही जन्म लेता है। तो इस भय से भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेके जन्म लेते हैं? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जाने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने को प्रेरित करता है। किंतु यह भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना होगा। तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं, अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए, और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओ। राधे राधे। प्रेम, प्रेम विधाता की सबसे सुंदर कृति, परंतु हर कृति को संभालना पड़ता है। अब इसी मूर्ति को देख लीजिए। जब कलाकार ने इसे रचा तब ये बहुत सुंदर थी, परंतु इसके पश्चात इसे संभाला नहीं गया। इसके स्वामी ने इसके देखभाल का कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया, और अब ये मूर्ति असुंदर लगने लगी। इसी प्रकार केवल कह देने से प्रेम प्रेम नहीं हो जाता। इसके लिए आपको अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना होगा। तो देश की रक्षा, परिवार और संबंधियों की सुरक्षा, संतान को संस्कार, जीवन साथी का आभार, ये कर्तव्य जब तक नहीं निभाओगे प्रेम से दूर होते जाओगे। तो यदि प्रेम का अमृत पाना है तो कर्तव्य की अंजलि बनानी होगी और मन से कहना होगा राधे।